हेलो गाइस, माय नेम इज मनीष मेहता और पॉलिटेक्निक वाले इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं LNT डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग 2023 के बारे में कि उसमें वैसे आप लोग कुछ अभी तक तो अप्लाई कर चुके होंगे और आप लोग को ईमेल भी आ चुका होगा स्लॉट बुकिंग का, ये भी पता चल गया होगा कि टेस्ट कब होने वाला है। इसमें बहुत सारे ब्रांच एलिजिबल थे, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, केमिकल, माइनिंग, बहुत सारे ब्रांचेज हैं, मतलब टोटल 10 ज्यादा ब्रांचेज हैं। तो बाय द वे LNT स्पेशली 2023 बैच के जितने भी ट्रेनिंग मतलब अप्लाई किए हैं तो उनके लिए एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं जिसमें कि अभी 400 प्लस मेंबर्स हो चुके हैं। तो कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करो, वहाँ मैसेज करो, कोई ना कोई आपको हेल्प कर देगा। या फिर मतलब बहुत कोई कुछ अपना किसी को न्यू मेल आता है तो वो तुरंत शेयर कर देता है तो आप लोग को भी पता चल जाएगा अच्छा मेल है। वैसे ये स्लॉट बुकिंग का मेल या फिर जो टेस्ट का मेल है ये बहुत किसी का स्पैम फोल्डर में आया था तो वही वहाँ से बहुत किसी को पता चल गया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि टेस्ट आपके बहुत सारे मतलब टेस्ट से रिलेटेड कि उसमें आपका कुछ असेसमेंट होगा वो कितने सेक्शंस में डिवाइडेड होगा और आपका टाइमिंग क्या होगा और हम पैटर्न MCQ होने वाला है ये तो पता ही होगा आपको, और नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, अगर आपके पास लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है वेबकैम के साथ, लैपटॉप है तो वेबकैम होगा, कंप्यूटर है और उसमें वेबकैम नहीं है तो क्या होगा, और क्या आप मोबाइल से दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, वो सब इस वीडियो में आज हम लोग कवर करेंगे। और ये आप टेस्ट के टाइम क्या क्या कोई पेन पेपर या कैलकुलेटर ये सब यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो भी आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मतलब इंट्रो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। सबसे पहले बात करते हैं कि टेस्ट आपका पता चल गया होगा कि LNT EduTech प्लेटफॉर्म में होगा, तो वो आपको एक ब्राउज़र में ओपन करना होगा वेबसाइट और वहाँ से आपको टेस्ट देना है। तो अब ब्राउज़र में ओपन करना था, मोबाइल में भी ओपन हो जाएगा, लैपटॉप में भी, कंप्यूटर में भी, किसी में भी ओपन हो जाएगा, जियो फोन में भी ओपन हो जाएगा, लेकिन लैपटॉप या डेस्कटॉप में टेस्ट दे सकते हैं। डेस्कटॉप में भी आपके पास वेबकैम प्लस माइक होना चाहिए, अगर आपके पास पर्सनल है अच्छी बात है, नहीं तो आप कहीं साइबर कैफे ये सब जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और ये और आपका पर्सनल नहीं है तो आप एक दिन पहले टेस्ट कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि सब कुछ वर्किंग है या नहीं है। वो आप कैसे करेंगे, ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और अभी मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। आपको LNT EduTech प्लेटफॉर्म में जाना है, फिर आपको उनका सपोर्ट का लिंक मिलेगा फुटर में, वहाँ पे आपको मिलेगा चेक योर डिवाइस सेटिंग, वहाँ पे आपको जाना है और आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चेक कर लेना है। वहाँ पे आपको ब्राउज़र सबसे पहले आपका ब्राउज़र चेक होगा, फिर वेबकैम चेक होगा, फिर माइक चेक होगा, वेबकैम चेक होगा कि आप टेस्ट के टाइम आपका वेबकैम ऑन रहेगा, आपको डिटेक्ट करते रहेगा। अगर आप फेस वेबकैम मतलब कैमरे पे फोकस से इधर उधर कीजिएगा तो आपको माइक में भी आपका नॉइज़ डिटेक्ट हो जाएगा किसी से बात कीजिएगा तो, और नेटवर्क चेक होगा, नेटवर्क रहेगा तभी आप टेस्ट दे पाइए ऑनलाइन। और स्क्रीन शेयर होगा, स्क्रीन शेयर मतलब सिर्फ आपका विंडो, ये जो ऑप्शन आता है स्क्रीन शेयर में, आपका एक आएगा ब्राउज़र जब शेयर करते टाइम आएगा कौन सा टैब आपको शेयर करना है या विंडो शेयर करना है या इंटायर स्क्रीन शेयर करने का परमिशन मांगेगा तो, लेकिन इसमें आपको पूरा इंटायर स्क्रीन शेयर करना है। इंटायर स्क्रीन शेयर करने से क्या होगा कि आप अगर सिस्टम में कोई और एप्लीकेशन ओपन किए हुए हैं तो वो भी उसको पता चल जाएगा, आप ब्राउज़र मिनिमाइज़ कीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा तो आपको मतलब उस ब्राउज़र के अलावा भी कुछ अपने कंप्यूटर में कर रहे हैं तो वो भी आपको पता, वो भी स्क्रीन शेयर होते रहेगा, मतलब पूरा इंटायर स्क्रीन आपका शेयर होगा, तो बाद में जाके मतलब जब चलेगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा और क्या। तो ये स्क्रीन चेक शेयर हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका फ़ोटो लिया जाएगा, फ़ोटो लेने के बाद आपका एक ID प्रूफ लगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड भी हो सकता है या फिर ये सब आप यूज़ कर सकते हैं, उसको एक ऐसे करके मतलब एक अच्छा लाइट सोर्स के पास बैठिएगा कि वो कैप्चर हो जाए अच्छे से, वो अच्छे से आपका रीड कर पाएगा तभी वो आप नेक्स्ट स्टेप में जा पाइएगा। वो आपका ID प्रूफ रीड नहीं कर पाया तो फिर आपको बार बार रिट्राई करना पड़ेगा। ध्यान रखना है कि टेस्ट के टाइम एक विंडो के सामने बैठ जाना है, मतलब जहाँ लाइट का सोर्स अच्छा आ रहा हो, ऐसा नहीं कि ऊपर से आ रहा हो और यहाँ पे आपका ऐसे आप दिखा रहे हैं आइडेंटिटी कार्ड, यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है तो ऐसा भी नहीं, मतलब इसलिए विंडो के पास बोल रहा हूँ। उसके बाद टेस्ट मैनुअल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन का पता नहीं टेलीग्राम ग्रुप में जरूर मिल जाएगा तो जाके ज्वाइन कर लो। तो टेस्ट का लिंक आएगा, उसमें आपको जाना है, टेस्ट का लिंक मिलेगा, उसमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है, फिर लॉगिन कर लेना है। ये कुछ दिया हुआ है प्लेटफॉर्म का इंस्ट्रक्शन, ये आप अभी पढ़ लो। पहले तो है गूगल क्रोम ब्राउज़र ही यूज़ करना है, और अगर टेस्ट देते देते टाइम अगर आपका स्क्रीन फ्रीज हो जाए या फिर कोई भी डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं आप, तो आप ब्राउज़र को क्लोज़ कीजिए, फिर दोबारा रीओपन करके लॉगिन कीजिए,
फिर आपका टेस्ट वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। और ध्यान रखिए कि आपका ब्राउज़र में कोई पॉपअप ब्लॉकर ना हो, नहीं तो फिर आपका वो जो इसके परमिशन मांगता वो आप इस क्लियर नहीं कर पाइएगा, क्योंकि वो अलाउ ही आप नहीं कर पाइएगा, तो कहाँ से शेयर कर पाइएगा। और किसी वजह से अगर आपका टेस्ट स्टार्ट नहीं हो रहा है तो ब्राउज़र हिस्ट्री में जाना है, वहाँ टाइम हिस्ट्री करके सारा कैश मेमोरी डिलीट कर देना है, उसके बाद फिर से रिट्राई करना है, शायद खुल जाए। बात करते हैं आपके असेसमेंट में कितना सेक्शन होने वाला है, तो इसके लिए मैं मेल भी किया था पिछले बार जो दिया था लेकिन याद नहीं है, तो इस बार मेल करके पूछ लिया, तो उन्होंने बताया कि फर्स्ट सेक्शन में आएगा एनालिटिकल एबिलिटी, उसके बाद आएगा क्वांटिटेटिव एबिलिटी, फिर वर्बल एबिलिटी, फिर आपका डोमेन से, डोमेन मतलब आपके ब्रांच पेपर, डिप्लोमा में जितने सारे ब्रांच पेपर फर्स्ट से लेकर सिक्स सेमेस्टर, वैसे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में होता नहीं है, थर्ड से स्टार्ट होता है, तो थर्ड से लेकर सिक्स सेमेस्टर जितना भी आपका ब्रांच पेपर है, मतलब अब जो आप स्पेशली आपका डोमेन में कवर होता हो, मतलब डोमेन मतलब आपका ब्रांच में, वो कहीं से भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि आप सिक्स सेम अभी पढ़े नहीं हैं तो सिक्स सेम में नहीं पूछेगा, वो पूछ सकता है। क्या बात करते हैं कि टोटल कितना क्वेश्चन होने वाला है, तो हर एक सेक्शन में आपका 30 क्वेश्चन होना है, टोटल 4 सेक्शन, तो टोटल 120 क्वेश्चन हो गए, और आपको टाइम मिलने वाला है टोटल 120 मिनट्स, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, लेकिन ऐसा भी नहीं मतलब जो सॉल्व करने वाला है उसमें 1 मिनट से ज़्यादा लग सकता है, और जो थ्योरी बेस्ड है उसमें तो आपको 5 सेकेंड लगेगा अगर आपको आता है, तो नहीं आता तो उसमें आधा घंटा भी लग सकता है, कोई टर्म रहेगा उसका कैरेक्टरिस्टिक दिया रहेगा, वो टर्म आपको आप एमसीक्यू में आएगा उसको सेलेक्ट करना है, तो अगर आप वो थ्योरी पढ़ें तो आपको 5 सेकेंड 10 सेकेंड लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिकॉल करने में, तो इस टाइम मतलब इसी तरह मेकअप करके चलना है। तो उसके बाद आपका सारा आपका एमसीक्यू होने वाला है, उसके बाद कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है, सबसे बड़ा बात है कि, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर कोई लग रहा है कि ये क्लोज है इसे अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है, तो अटेम्प्ट करना है, उसके ये नहीं सोचना है कि मतलब ये 100% श्योर नहीं है तो नहीं मार टिक करते हैं, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अटेम्प्ट कर दो, सारा का सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो। अब हाँ ये तो बता दिए कि मोबाइल से तो आप नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो अभी आपको सपोर्टिंग को मेल करके पूछा था तो वो डायरेक्टली साफ बोल दिया ऐसे लैपटॉप और डेस्कटॉप, उसमें बोल दिया कि अगर आपका पर्सनल है तो और ज़्यादा अच्छा है, लेकिन लैपटॉप और डेस्कटॉप में आप दे सकते हैं। एक और आपको जुगाड़ बता दे रहा हूँ, अगर आपका डेस्कटॉप है और उसमें अगर आपका वेबकैम नहीं है तो आप अपने स्मार्टफोन को वेबकैम बना सकते हैं डाटा केबल से जोड़ के, एक ये आता है इरून वेबकैम करके कोई सॉफ्टवेयर है, जो मोबाइल में भी आता है डेस्कटॉप में भी आता है, दोनों जगह आपको इंस्टॉल करना है, उसको फिर आपको कनेक्ट कर लेना है, तो आपका वेबकैम बन जाएगा आपका स्मार्टफोन, तो किसी तरह स्टैंड लगा के किसी तरह आपको मोबाइल को एक जगह फिक्स कर देना है जिसमें कि आपका चेहरा दिखे, उसके बाद फिर आप दे सकते हैं टेस्ट। तो एक अभी एडिट वीडियो जब देख रहे थे तो पता चला कि एक चीज़ एक पार्ट इंक्लूड करना भूल ही गए कि आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते असेसमेंट के टाइम, तो ये भी ये पॉइंट भी मैंने पूछा था, तो उसमें पता चला कि मतलब कैलकुलेटर तो आप जाहिर सी बात इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप यूज़ नहीं कर सकते असेसमेंट के टाइम, पेन पेपर मतलब आप कॉपी मत रखिएगा, पेन पेपर आप रख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मतलब ब्लैंक पेपर रहेगा और पेन रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जरूरत पड़ सकता है, लेकिन वो सब क्वेश्चन आप अवॉइड करिए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए सॉल्व करने में, क्योंकि बहुत सारा लास्ट लास्ट में डोमेन में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि वो आप देखते ही पता चल जाएगा, देखते ही आप आंसर कर दीजिएगा, मतलब बहुत डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब एमसीक्यू होता है, ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप अगर आप थ्योरी पढ़ें तो आप तुरंत आपका सॉल्व हो जाएगा, और पेन पेपर का काम तो यही, बाकी का 3 इधर जो जितना भी सेक्शन है वर्बल में तो नहीं पड़ेगा, एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव में पढ़ सकता है, तो क्या बात करें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और कोई क्वेश्चन हो तो डालो कमेंट में टेलीग्राम में, फिर एक नई बड़ी वीडियो बनेगा या फिर वही आंसर कर देंगे, तो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाय।